जल्दी से मार्केट निकलते हैं, क्रियांश का कपड़ा खरीदना है। तो यहाँ पर जी बहुत सारा ऑप्शन हम लोगों के सामने आ गया है और हम लोग कंफ्यूज है कि आखिर क्या लिया जाए। तो क्रियांश के चाचा चाची भी ड्रेस को देख रहे हैं, तो हमने क्रियांश का तो ले लिया। यहाँ पे बदी देव अपने लिए कुछ टी शर्ट ले रहा, तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे रितु देख रही है क्रियांश का ड्रेस। तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आए, तुमने देखा तुमने? माँ लोग तो चली गई कार्ड देने के लिए और मुझे भी बनाना है खाना, तो मैं दाल चढ़ा दी हूँ किचन में और चलती हूँ बेड उड ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि क्रियांश आ जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले अपने रूम को मैं ठीक कर लेती हूँ। इधर देख सकते हैं आप क्या हाल है अभी रूम का, क्रियांश पूरा खेल के गया है। टॉवल वाला है और प्लाजो 100 रुपये में एक, और क्या कहते हैं टॉवल 100 रुपये में दो। बेड ठीक हो गया और सब कुछ सामान ठीक हो गया, तो अब चलते हैं किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं भिंडी और प्याज का भुजिया। तो यहाँ पे हमने कुछ कट किया और कुछ करना है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको धो के हमने ले लिया है। तो इधर हमारा भिंडी कट गया, प्याज कट गया, उधर रितु जो है आलू ले रही है। तो इसमें हमने डाल दिया सरसों तेल, जीरा और लाल मिर्च, और इसमें हम डालेंगे कटा हुआ भिंडी। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ढकना नहीं है, ऐसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे भिंडी हमारा हल्का सा लाल हो चुका है, देख सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज, अच्छे से करेंगे मिक्स। और इसको अभी भी नहीं ढकेंगे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्रियांश आ गया मेरी गोदी, बाबा के पास से आ गया। बहुत परेशान किया ना छपको, मुझे किया ना परेशान, बाबा को हाँ चाचू को छपको परेशान किया ना तुमने? नहीं किया आपने परेशान, झूठ बोल रहे हो। क्या है A few moments later. तो इधर हमारा भुजिया बन गया, रितु निकाल रही है और इसमें हम नमक ऐड किया, वो हम आपको दिखा नहीं पाए। क्रियांश आ गया था, क्रियांश सोया है, जैसे क्रियांश सोया है उसके पापा आ गए और दादी। तो हम जल्दी से खाना गर्म कर देते हैं इन लोगों के लिए, ताकि खा लें, क्योंकि धूप से आए, थक भी गए होंगे और बाहर कुछ खाए भी नहीं है। तो ये है हमारा आलू का भुजिया, को की हम ढक के रखे थे और इसको अब हल्का सा गर्म कर देते हैं, तो खाने में अच्छा लगेगा और कुरकुर सा हो जाएगा। और इधर सलाद, इधर आम की चटनी बना के रखे हैं हम, इधर है दाल और इधर है भिंडी का भुजिया और इधर है चावल, हम लोगों के लिए चावल है और ये है शुगर फ्री चावल। और इधर हमने रखा है क्रियांश के लिए चावल का पानी, उसको हम लोग मार भी कहते हैं, तो वो जब क्रियांश होके उठेगा ना तब उसको देंगे। कसा गरम कर देते हैं तो अच्छा लगेगा, दाल को भी गरम कर देते हैं। अभी बज रहे थे शाम के 5:30 और हमें निकलना है मार्केट, जल्दी से मार्केट निकलते हैं, क्रियांश का कपड़ा खरीदना है। और जन्मदिन के जो है मुश्किल से अब 3 से 4 दिन बचे हुए हैं और अभी तक जो है क्रियांश का ड्रेस हमने सिलेक्ट नहीं किया, जो कि मैं 5 से 6 दिन पहले बोल रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं जी, लेकिन आज भी जो है मौका ज्यादा ही नहीं है हमारे पास, तो इसलिए कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, ड्रेस कम से कम खरीद लेते हैं, उसके बाद बाकी अपना सारा काम छोड़ दीजिएगा, हम खुद आ जाएंगे, बस लेके चलिए आप। चलो ठीक है, तो जिया को लेकर के चलते हैं, अपना ड्रेस पसंद करेगी और देखते हैं कैसा पसंद आता है ड्रेस और क्या लेते हैं। बाय क्रियांश, क्या चल रहा है? बाय क्रियांश, बाय। तो फिलहाल हम घुस गए हैं जी मार्केट और चलते हैं अंदर, इस दुकान से हम लोग ज्यादातर लेते हैं सामान, यहाँ पर जो अच्छा अच्छा कलेक्शन मिल जाता है। चंदा मामा, तो चलते हैं चंदा मामा के यहाँ। इस टाइप का ही जाता देखना है, देखो मेरी भी ड्रेस मैच हो रहा है, देख लो। तो यहाँ पर जी बहुत सारा ऑप्शन हम लोगों के सामने आ गया है और हम लोग कंफ्यूज है कि आखिर क्या लिया जाए। ये हमको भी अच्छा लग रहा है, मैच कर रहा है लहंगा से, लेकिन मेरा क्या ड्रेस होगा हमको पता नहीं है अभी, इसके बाद डिसाइड। ठीक है देख लो, एक इसको साइड रख लो, बाकी और भी देख लो, 3 पीस टाइप का जिसमें हाफ बंडी हो इस तरह से, वो ज्यादा अच्छा लगता है हमको।
तो भैया कुछ और नया ऑप्शन लेकर के आए हुए हैं, ये अच्छा लग रहा है मुझे। और भी देख लेते हैं। गर्मी है थोड़ी, गर्मी तो है ही। अच्छा नहीं, ऊपर वाला भी है ना, इसका जरूरत नहीं है। अच्छा शर्ट के ऊपर बंडी है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो प्रियांश के चाचा चाची भी ड्रेस को देख रहे हैं, वो लोग भी पसंद करेंगे कि आखिर कौन सा अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हमारा ड्रेस सिलेक्ट हो गया, सेट मिलेगा क्या? यहाँ पे हमारा जो है पैकिंग हो रहा है, फिर हम चलेंगे पतिदेव का ड्रेस लेने के लिए। तो हमने प्रियांश का तो ले लिया, यहाँ पे पतिदेव अपने लिए कुछ टी शर्ट ले रहा है, तो मैं दिखा दूँ। ये सब पट्टा वाला खोल के देख लीजिए, ये वाला हमको अच्छा लग रहा है। हर टाइम ब्लू 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 सेम है आपके फ्रेंड सूरज के पास ऐसा है? नहीं पता हाँ। हमारा तो सारा कुछ शॉपिंग हो गया, यहाँ पे घर ले जाने के लिए कुछ सेलेक्ट करवा लो। 20 minutes later तो फाइनली हम आ गए घर, प्रियांश का ड्रेस लेके, पतिदेव उधर ही रह गए क्योंकि उनको और भी कुछ काम था, तो हमने छोड़ दिया। यहाँ पे ऋतु देख लिए प्रियांश का ड्रेस, तो ये है प्रियांश का ड्रेस। कैसा लगा? बहुत बहुत सुंदर, छोटू सा बुद्धू सा, लेकिन दाम उतने रहता जितना हम लोगों का रहता है। बुद्धू सा लगता है लेकिन मोनू के लिए भी लाएंगे। खाली ना, खाली ले घूम रहे मोनू, खाली थाली घूम लेके घूम रहे, तो हमने सबके लिए लिट्टी और समोसा लेके आए। A few moments later. तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आए, तुमने देखा? देखा तुमने? हाँ चलो 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 बैठिए, ठुमक ठुमक चले नंदलाल मेरे। हाँ ड्रेस देखा आपने? नहीं देखा ना, कितना प्यारा ड्रेस लेके आई है मम्मा तुम्हारी। बताओ क्या बोल रहे हो? अभी दिखाऊंगी मैं, डैडी को भी दिखाऊंगी, तुम्हें भी दिखाऊंगी, ठीक है? तो यहाँ के आज शाम में ब्रश कर रहा है दीदी लेके। हाँ बुबू क्या हुआ? तो यहाँ पे माँ देखती है प्रियांश का ड्रेस, कैसा लगा माँ? बहुत सुंदर है, अच्छा लगा लेकिन बहुत सुंदर। अच्छा देखिए, एगो इनका है, एगो मोनू का, हाफ टी शर्ट इनका है। मोनू हाफ की नहीं चीज़? नहीं इनका है ये हाफ टी शर्ट, सोनू अग्नि चाचा टाइप उड़ा लगा। हाँ इसीलिए एक तो इनका है, फुल है मोनू का, बहुत सुंदर दोनों है ना, बहुत सुंदर। The next day. यहाँ क्रियांश जो है बार बार स्विच को ऑन ऑफ कर रहा है, और वहाँ पर पंखा को जो है ऑफ कर दिया है। क्रियांश गर्मी लग रही है, पंखा ऑन करो। बेचारा देख भी रहा है स्विच दबा दबा के कि किससे बल्ब ऑन होता है। बम पंखा बम कर दिया तुम तो। यह एक एक करके चेक भी कर रहा है कि किससे बंद हो रहा है किससे ऑन हो रहा है। बेचारा को अंदाजा नहीं है स्विच का, तो दबा देता है। बम बम कर दिया, अब हम इसको ऑन करते हैं। जैसे हम ऑन कर दे देंगे ये भी चले जाएगा। और आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से दूर रखिए, तो हाँ जी दूर ही रखते हैं। और बाकी इसके लिए सेफ्टी है, इसमें जो है एक प्लास्टिक का अंदर दिया हुआ है, तो इसके अंदर हाथ भी डालेगा तो करंट नहीं लगेगा, बच्चे की सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। वैसे कोशिश करते हैं कि दूर ही रहे। अब इसको हटा लिया जाए, अब अब इसको हटा लिया जाए वहाँ से। बहुत खेल लिया तुम, क्या चल रहा है? और आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि हमेशा क्रियांश को डायपर में रखते हैं। जी अभी ये डायपर में है नहीं, लेकिन इसको जो रिकॉर्ड नहीं कर सकती निकी वाला भाग, क्योंकि ये नंगा है अभी, तो इसलिए आपको जब भी दिखता है वीडियो में तो डायपर में दिखता है या पैंट में दिखता होगा, क्योंकि इसको नंगा शूट नहीं कर सकते हम लोग। तो इसीलिए जो है आप लोगों को कभी भी यहाँ दिखता होगा कि हमेशा पैंट या किसी चीज में। अच्छा हम बोल रहे हैं तो क्रियांश बोलते रहेगा जैसा कि आप लोग देखते हैं। ओए क्या क्या करता है? तो 3 दिन बाद क्रियांश का जन्मदिन है, ओए जन्मदिन है। फिलहाल तो क्रियांश इस गाड़ी से खेल रहा है, कुछ देर इसका मन लग गया है, लेकिन कितनी देर मन लगा रहता है। अब लगता है उब रहा है इससे, तो जिया गई हुई अपना काम करने। और एक चक्का उधर गया, एक चक्का पहले से गायब था, एक चक्का और गया, और धीरे धीरे ऐसे ही सारा चक्का इसका चला जाए। तो ये देख सकते हैं बेचारे का क्या हाल हो गया है, एक दो अच्छा एक साइड का पूरा व्हील इसका गायब है और बाकी इधर बचा हुआ है, तो सभी जो है दयनीय स्थिति में है। तो थोड़ा बड़ा होगा अभी, तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसको पूरा तोड़ने में, जब थोड़ा बड़ा होगा तो और जल्दी तोड़ेगा यह सब।